जय श्री राम। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आज अपने गांव में दशहरा का मेला लगाया है और आज हम रावण दहन भी करेंगे। मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। पहले हम अपने घर से बाहर चल लेते हैं और मैंने अपने हाथों पर एक तलवार पकड़ा है क्योंकि ये मेरे कपड़ों में थोड़ा सूट कर रहा था। आप सामने पे वो दुर्गा पंडाल भी देख सकते हैं जो कि थोड़े दिन में हटने वाला है। और अभी विलेज के सारे लोग अपने अपने घरों पर तैयार हो रहे हैं क्योंकि एक घंटे पे मेला जो है शुरू होने वाला है। और आसपास के गांव के लोग भी हमारे विलेज के मेले में आने वाले हैं क्योंकि दूर दूर तक और किसी गांव पे मेला नहीं होता है, सिर्फ हमारे विलेज में हो रहा है इस बार। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े झूले भी लगे हैं, यहाँ से देखने में काफी सुंदर लग रहा है। वैसे मेले का गेट ये नहीं है, मैं आपको मेन गेट दिखा देता हूँ। मेले की एंट्री इस तरफ से है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही हरी भरी एंट्री दी है मैंने। एंट्री के बाद यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड है जहाँ पर पानी भरा हुआ है और सामने में एक राम जी का मंदिर है जहाँ हम बाद में जाएंगे। वहाँ आखिर में आरती होगी, उसके बाद रावण दहन होगा। आप देख सकते हैं मंदिर देखने में काफी खूबसूरत है। इस तरफ कुछ दुकानें हैं जहाँ पर आपको खाने पीने और खेल खिलौने की चीजें भी मिल जाएगी। यहाँ पर और भी दुकान वाले आएंगे फिर यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाएगी। इस मेले में लोगों को किसी चीज की कमी नहीं लगेगी और यहाँ पर काफी सारे टेबल्स और चेयर्स है जहाँ पर लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं और बातें कर सकते हैं। बैठने के लिए भी मैंने अच्छी तैयारी कर रखी है। वहाँ पर सामने में एक झूला है, मैं आपको पास चल के दिखा देता हूँ। ये वाला झूला गोल गोल घूमता है, आपको बस इन पे बैठ जाना होता है, फिर सामने से ये जो है मिस्टर बॉब ये इसे चलाते हैं। मैं तो इसमें नहीं बैठूंगा क्योंकि मुझे गोल गोल घूमने वाले झूलों पे चक्कर आता है। मैं आपको और भी झूले दिखा देता हूँ। इस तरफ आप जैसे ही आओगे, यहाँ पर आप जैसे ही कदम रखोगे, यहाँ पर जो है फटाके फूटने चालू हो जाएंगे जो कि देखने में काफी खूबसूरत दिखता है। आप देख सकते हैं अलग अलग रंग के पटाखे फूटते हैं। थोड़ा सा सामने जाने पर आपको यहाँ पर काफी सारे झूले दिखेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सजावट भी अच्छी से कर रखी है। आपको इस तरफ आ जाना है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे झूलों के लिए एक ही टिकट है जो आपको यहाँ से मिलेगी और वो टिकट बहुत ही ज्यादा सस्ती है ताकि हर कोई उसे ले सके। इस मेले में हर चीज काफी सस्ती है। आप सामने में जो झूला देख रहे हैं ये भी गोल गोल घूमता है, जैसा कि मैंने बताया गोल गोल घूमने वाले झूलों पर तो मुझे चक्कर आता है, इसलिए मैं तो उस पर अभी नहीं जाने वाला। और ये जो बड़ा वाला झूला आप देख रहे हैं ये अभी चालू नहीं हुआ है, ये थोड़ी देर बाद चालू होगा जब मेला शुरू होगा, इसलिए अभी तो मैं इस पर नहीं जा सकता। और इस तरफ आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा है, ये शिप वाला झूला, ये बहुत ही मजेदार है। मैं इस पर आपको एक बार के दिखाता हूँ। इस झूले पे बच्चे भी आ सकते हैं और बड़े भी, क्योंकि ये झूला बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसमें आपको बैठना है और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी जो कि काफी ज्यादा मजेदार है। और इस झूले में बैठने की भी काफी सारी जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे चेयर्स लगे हैं, यहाँ लोग आराम से बैठ भी सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे बेस्ट और मजेदार झूला, रोलर कोस्टर की सवारी। इसमें छोटे बच्चों का जाना मना है क्योंकि ये उनके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये बहुत पसंद है और मैं इस पे जा भी सकता हूँ, इसलिए मैं आपको एक बार चल के दिखाता हूँ। वो इस राइड पे तो काफी मजा आया मुझे। तो अब चलो राम जी की आरती होगी, उसके बाद फिर हम रावण दहन करने चलेंगे। तो हम मंदिर के पास तो आ चुके हैं, पहले हम अपने चप्पल उतार देते हैं, अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पर पंडित जी भी आ चुके हैं और ढोल नगाड़े पहले से ही बज रहे हैं, तो चलो अब हम आरती शुरू करते हैं। Yeah.
इस दशहरा पहले अपने अंदर के रावण को मारो। जय श्री राम।